विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के समर्थन में चौधरी नरदेव सिंह ने वोट मांगे। मथुरा की छाता विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मीनारायण के लिए छाता में चतुर्भुजी मंदिर पर नरदेव चौधरी ने एक सभा की, जिसमें नरदेव चौधरी ने चौधरी लक्ष्मीनारायण को वोट देने की अपील की, जिसमें सभी लोगों ने नरदेव चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। नरदेव चौधरी ने विपक्षियों पर साधा निशाना और कहा कि छाता का विकास अगर किया गया तो सिर्फ चौधरी लक्ष्मीनारायण ने किया है, पूर्व में रहे विधायक ने कभी छाता का विकास नहीं कराया। इस बीजेपी सरकार में सभी को लाइट हर वक्त मिलती है। अखिलेश की सरकार में ट्रांसफार्मर फूक जाने पर 15 दिन लग जाते थे और ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और सभी से चौधरी लक्ष्मी नारायण को वोट करने की अपील की है। लोकेश गर्ग, कोसी समाचार 24। आज बताइए, आज छाता में आपने जनसंपर्क किया तो लोगों का कितना उत्साह मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है? सब समाज का एक तरफा रुझान, अगली बार छाता विधानसभा में कमल 1 लाख पार, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और सभी चाहते हैं कि दोबारा से योगी जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हो। कल जाम में जो एक आप लोगों का जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आपके समर्थकों ने जो मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाए, उसमें क्या कहोगे आप? देखिए, मैं जाम में जब अंदर था, मुझे किसी भी तरह की ऐसी बात अभी मालूम ही नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरी संज्ञान में इस तरह का कोई मामला हुआ भी नहीं है। मैं तो जब वहाँ से निकल रहा था तो तेजपाल सिंह जी बोल रहे थे, मैंने उनकी तरफ हाथ उठा के नमस्ते किए और निकल गया सीधा, इतना तो मुझे पता है। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई इस तरह की घटना हुई। चलो, अलवर में रीट पेपर लीक के